भिवानी जिला के सुशासन सहयोगी व आरएसएस कार्यकर्ता के बीच वायरल हुआ ऑडियो मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आरएसएस कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर ऑडियो जारी कर नगर परिषद के अधिकारियों पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर आरएसएस कार्यकर्ता बलदेव पत्रकारों से भी रूबरू हुए और मीडिया के सामने उन्होंने नगर परिषद व जिला प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। इससे पूर्व बलदेव ने अपनी ऑडियो में आरएसएस का 42 साल पुराना व्यापारी कार्यकर्ता सुशासन सहयोगी को जिला प्रशासन द्वारा पॉलिथीन रखने वाले व्यापारियों के चलान काटने के बारे में स्पष्टीकरण मांगता हुआ सुनाई दे रहा है। इस ऑडियो में आरएसएस कार्यकर्ता सुशासन सहयोगी को कहता है कि भिवानी शहर के व्यापारियों के 20,000 रुपए तक के चलान पॉलिथीन की थैलियां रखने के एवज में जुर्माने के तौर पर किए जा रहे हैं। वह सुशासन सहयोगी को कहता है कि भिवानी जिला प्रशासन को आखिर इतनी छूट क्यों दे जा रही है, इसके कारण शहर के व्यापारी परेशान हैं। इस पर सुशासन सहयोगी इस बात को मुख्यमंत्री तक कार्यकर्ता द्वारा स्वयं पहुंचाने की बात कहता है। आरएसएस की बात आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर सरकार के अन्य वजीरों तक पहुंची या नहीं, यदि पहुंची है तो सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, ये आगे की बात है। लेकिन बलदेव ने अपनी ऑडियो के बाद अब मीडिया के कैमरे के सामने अपनी आवाज के साथ जनता की आवाज भी उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रेहड़ी चालक दुकानदार से लेकर फुटपाथ तक के बेरोजगारों को तंग किया जा रहा है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। कहा कि नगर परिषद कर्मचारी किसी को 5,000 से 20,000 तक के चलान थमा रही है तो किसी को ब्लैंक चलान दे रही है, जिनसे बाद में रिश्वत के तौर पर धांधली की जाती है। उन्होंने मीडिया के सामने दो प्रकार के फॉर्म भरे हुए दिखाए। इसमें क्या हकीकत है ये तो जिला प्रशासन या फिर उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पता चल सकता है। जिसमें पॉलीथिन को लेकर क्या करना चाहते हैं? ऐसा है, ये पॉलीथिन की समस्या हमारे पूरे भारतवर्ष की, हम इससे खुद दुखी हैं। शिवर जाम हो जाए तो कुलवाड़ा में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये सिर्फ भिवानी की समस्या नहीं है, हम इससे बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब ये चलान काट रहे हैं, चलान काटते तो मेरी दुकान पे जब चलान काटने वाले आए, 2 बजे का टाइम हुआ, मैं खाना खा के बैठा था तो मेरी दुकान पर उन्होंने 2,000 रुपये का चलान काटने की कोशिश की। आधा किलो के करीबन थैली थी, मैंने कहा भी तुम चलान मत काटो, मैं क्या करता हूँ, चाय बेचता हूँ, चाय थैली में डाल के लोगों को ग्राहकों को देता हूँ और जो ग्राहक जबरदस्ती करता है उसी को देता हूँ, बाकी तो मैं देता ही नहीं। एक पुलिस वाला मेरे अंदर घुस गया, 5 किलो थैली और थी वो रख करके उन्होंने मेरा 2,000 का 20,000 कर दिया। 2 आदमी गाड़ी में बैठे थे, एक आदमी कहने लगा GRBD चाय वाले नामी आदमी है, बड़ा मुर्गा है, इससे पैसे ले दे करके छोड़ दो। उसने मेरे से 5,000 रुपये मांगे, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैंने इमरजेंसी को फेस किया है, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। और ये जुल्म आप करते हो, मैंने कोई बलात्कार नहीं किया, चोरी नहीं की, 20,000 के चलान थोड़ी होते। अब हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप किस थैली का चलान काटते हो? ये जो थैली है, आज कपड़े की दुकान पर चले जाओ, वहाँ भी थैली है जो खराब नहीं हो, किसी कीमत पर नहीं गड़ेगी। भुजिया वाले के पास चले जाओ, वो थैली तो किसी कीमत में नहीं गड़ सकती। आप कहीं भी चले जाओ, वो थैली कैसे भी नहीं गड़ेगी। ये थैली जिसके अंदर ग्राहक सामान डाल के देता है, एक थैली वाला 100 रुपये किराए में थैली लेता है, 2,000 रुपये की सब्जी लेता है और शाम तक ये सोच के चलता है कि मैं इसको बेच के 200-250 रुपये पढ़ाऊँगा, बच्चों का पेट पालूंगा। सरकार ने जैसे अंग्रेजों ने घोड़े छोड़े हुए थे ना, वो घोड़े आते थे ना दम दनाते हुए वो लगान वसूल करने के लिए, और वो क्या करता था, लगान तो वसूल करता था या नहीं करता था, सारे गांव के शहर के आदमी दुबक जाते थे और वो लोगों से ले रिश्वत और भाग जाते थे और वो सरकार के वो होते थे। अब ये सरकार ने 10 वैसे गुंडे छोड़ रखे हैं जिनको जीपे दे रखी हैं, वो जाते हैं और लोगों से दुनिया भर की रिश्वत लेते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। अब ये लोग कोई भी आने भरे, एक व्यक्ति ने हाँ भाई एक शिकनी आई थी तो सज्जन कुमार को सजा हुई और कोई गवाही नहीं देने वाला था, तो BJP का नाथ उसको कमलनाथ देखूंगा, हमारा चिन्ह है कमल, उसका नाथ MP का चीफ मिनिस्टर होगा था। अगर कोई गवाही नहीं देने वाला था तो सज्जन कुमार दिल्ली का अगला CM होता। मैं आपको एक बताता हूँ, भिवानी में भी DC है, क्या भिवानी के DC में सारे समाज को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है कि धड़ाधड़ चलान काटा? ये समस्या ऐसे सुलटी है क्या? ये समस्या पूरे देश की समस्या है। कितने चलान काटे हैं मंगवाओ,
पूरे देश की समस्या है। तो केवल भिवानी में काटे थे, दूसरे जिलों में नहीं है? चलान काटे गए, उम्मीद नहीं था थोड़ी है रोज के रोज चलाने काटे हर का। अब ये कहते हैं सुशासन के सहयोगी से मेरी बात हुई थी, वो ये कहता है कि और जिलों के डीसी काम नहीं करते, भिवानी का डीसी भी काम नहीं करे। वो ये कहता है कि ये चलान काटेंगे तुम कोर्ट में चले जाना। तो क्या दुकानदार कोर्ट में जाने के लिए है? ये चलान काट देंगे, दुकानदार कोर्ट में लगाना रहेगा, वकील की फीस देगा, सारा दिन भर दुकानदारी देगा, छोड़ अपने बच्चों बड़ा कोर्ट के चक्कर काटेगा। फैक्ट्री है जी, सबको बंद कर देनी चाहिए, पॉलिथिन पर पूरे फैक्ट्री बंद करो। एक बच्चे को कहते भाई थैली दे दे, बोला अंकल थैली हम बंद हो गए, मैं रखते बोले यार तेरे को 5 रुपये दे देंगे, दे देना यार थैली। उससे उसने थैली ले कैरेट के नीचे थैली रखी हुई थी, उन्होंने क्या किया कि उस दुकानदार के हाथ क्या वो थैलियाँ सारी पकड़ ली, सारी थैली जब्त कर ली। दुकानदार ने पाँव पकड़े तो उसको छोड़ दिया, थैली तो ले गए, उसकी दुकान से 2.5-3 करोड़ सेब उठा के लेके फ्री में। अब ये चाहते हो गवाही दे, गवाही कौन देगा? अगर गवाही चाहिए तो डीसी मेरे घर आ जाएगा, मैं 10:30 बजे सिंपल वेज में जाता हूँ, मैं डीसी साहब को सारे करवा दूँगा। या मनोहर लाल जी जो अब खट्टर है, पहले मनोहर लाल जी थे, खट्टर के नाम से कोई नहीं जानता था, सीएम बनने के बाद खट्टर रह गए। अभी अगले 6 महीने के बाद खट्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये राम जाने। मेरी घनश्याम से बात पहले मैंने करी, मेरे MC से बात, भाई देखो ये कर रहे हैं 17-22 MC ये कहने लगा जी मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने घनश्याम जी से बात की, घनश्याम जी के पिताजी राम भगत जी मेरे साथ अंदर रहे थे, घनश्याम का चाचा मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा हूँ जो आज कलकत्ता रहता है, राम विलास नाम है, और मेरे साथ खिलाड़ी था, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा।